मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। अभी हाल फिलहाल में जो राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 18.5 करोड़ में जो जमीन की लेन देन की गई है, जिस पर विवाद का तूल पड़ा हुआ है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है कि इसमें हेर फेर की गई है, इससे संबंधित सरल भाषा में सटीक विश्लेषण आपको प्रस्तुत कर रहा हूं और बड़ा ही सरल भाषा में आपको बतलाऊंगा। ये ऐसा है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राम मंदिर अयोध्या जी में बनाया जाएगा और उसी स्थान पर बनाया जाएगा जहां पर कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, तो ये जो फैसला आने के बाद अयोध्या में पूरी जमीन की दाम काफी बढ़ गई। चूंकि सरकार की तरफ से ये घोषणा हुई कि अब अयोध्या को एक बहुत बड़ा तीर्थाटन केंद्र बनाया जाएगा जहां पर हर तरह की सुविधाएं होंगी और ये विश्व का एक सबसे सबसे उच्च स्तर का तीर्थ स्थान केंद्र बनेगा या तीर्थ स्थल बनेगा, जहां पर भव्य राम का मंदिर होगा, साथ में धर्मशाला होगी, अस्पताल होगा और होटल होगा, ठहरने के लिए इसमें कई सारे कमरे बनाए जाएंगे, एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, तमाम तरह के जो अत्याधुनिक सुविधाएं जो तीर्थ स्थल पर बनाए जाते वो सभी बनाए जाने की एक फैसला हुआ। इसके लिए 1000-2000 एकड़ की जमीन की जरूरत थी। अयोध्या जी में जैसे ही ये फैसला राम मंदिर बनाने के निर्णय हुआ तो अयोध्या से तो कोई व्यक्ति अब वहां से तो आना नहीं चाहता था और बाहर के व्यक्ति ही वहां बहुत ज्यादा बसने की सोच रहे थे। परिणाम हुआ कि वहां की दाम, जमीन की दाम अचानक बहुत बढ़ गई। अब ये मामला जो शुरुआत हुआ मामला शुरुआत ऐसा हुआ कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक की जमीन थी और वो जमीन थोड़ा सा विवादित भी थी, तो उसको 2011 में 1,99,00,000 में उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया, सेल से सेल डीड बना, इसमें हम कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट बनाया गया रजिस्ट्री से पूर्व, और ये एग्रीमेंट बनाया गया था रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अहमद इनके नामों से ये बनाया गया था, इनके नामों से ये बनाया गया था। सुल्तान अहमद नहीं, क्षमा चाहता हूं, सुल्तान अंसारी, पुनः सुन ले, रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के नाम से ये बनाया गया था। तो और इसको 2011 में ये एग्रीमेंट, जिसको महदा भी कहते हैं, बिहार में उसको महदा कहते हैं, किसी क्षेत्र में महिनामा कहते हैं, 2011 में बनाया गया था, फिर इसको 2014 में रिन्यू किया गया, फिर उसको 2019 में रिन्यू किया गया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं की गई थी। रजिस्ट्री नहीं की गई थी, फिर कुछ वर्ग से यह आरोप लगा, विपक्ष से यह आरोप लगा कि इसका सर्किल रेट 5,80,00,000 का था, तो अचानक एक ही दिन दो रजिस्ट्रियां कैसे हो गई और 2 करोड़ की जमीन की दाम बढ़कर के 18.5 करोड़ कैसी हो गई, ये विषय था और यही विवाद का मुद्दा था और यही तूल पकड़ा। अब यहां पर यह जानना महत्वपूर्ण बातें हैं कि सर्किल रेट जो होता है वो सर्किल रेट होता है जो किसी भी क्षेत्र का सरकार तय करती है कि इससे नीचे में रजिस्ट्री नहीं करवाई जा सकती है। ये कहीं भी आप चले जाएं, चाहे मुंबई चले जाएं, चाहे दिल्ली चले जाएं, पटना चले जाएं, चाहे आप दरभंगा चले जाएं, मुजफ्फरपुर चले जाएं, किसी भी शहर में एक सर्किल रेट तय की जाती है इससे कम, ताकि स्टाम्प वैल्यू में कोई घपलेबाजी ना की जा सके। तो जमीन का जो सर्किल रेट था वहां सरकार के द्वारा अधिकृत तय यह था 5,80,00,000। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया तो वहां का जमीन का रेट बहुत बढ़ गया। अब यहां पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया था कि अयोध्या में राम मंदिर जहां बनाया जाएगा उसके अगल बगल 1,002 बीघा जमीन जो और एक्वायर किए जाने हैं, जिन जिन से लिया जाएगा उनके मूल दाम का चौथाई नहीं बल्कि 4 गुना, नॉट 1/4, 4 टाइम्स, 4 गुना उनको उसका दाम दिया जाएगा। अब आता है कि यदि 5,80,00,000 है, इसको 4 से ही आप गुना कर दीजिए तो लगभग 25 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो इसमें राम मंदिर ट्रस्ट ने यह सोचा कि क्यों नहीं इस मामले को निपटा करके और 18.5 करोड़ में ले ले। अब यह था कि वहां पर चूंकि महदानामा उसके नाम से बना हुआ था, एक सेल का पहले एग्रीमेंट बना हुआ था, एग्रीमेंट के तहत सबसे पहले जो कुसुम पाठक और हरीश पाठक से खरीदने का राइट बनता था वो राइट बनता था सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी का, तो उसी दिन संभवतया ये रजिस्ट्री 18 मार्च
2021 संभवतया, मुझे डेट परफेक्ट याद नहीं है, तो ये उसी दिन हुआ था और ये दो रजिस्ट्री 15 मिनट के अंदर ही हुई थी। तो पहले जो चूंकि सेल एग्रीमेंट के मुताबिक पहला राइट बनता है उन्हीं को कि रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को, और उन्होंने उसको 2 करोड़ में जैसा कि डीड के अनुसार था उन्होंने उसको लिया, और फिर 15 मिनट के अंदर एक दूसरा सेल की रजिस्ट्री हुई। पहला रजिस्ट्री हुई जो रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अहमद, जो उन्होंने एग्रीमेंट के अनुसार था उसके अनुसार 2 करोड़, और 2 करोड़ के बाद फिर दूसरा राम मंदिर के लिए जो ट्रस्ट थी उन्होंने राम मंदिर हेतु उसको 18.5 करोड़ में ट्रांसफर करा। और इन दोनों में, दोनों रजिस्ट्री में एक ही गवाह है, अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय। ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या के मेयर भी थे। अब यही विवाद मचा कि आखिर दोनों में एक ही गवाह जो दोनों है, अनिल मिश्रा ऋषिकेश उपाध्याय, कैसे हो सकते हैं। तो ये स्वाभाविक है, 15 मिनट के अंतर पर हुआ और कंपोजिट ट्रांजेक्शन था और ये रजिस्ट्री थी, इसीलिए वो स्वाभाविकता के रूप में ये बन गए। तो अब और एक बात और ध्यान रखिए, जो कोई भी प्रॉपर्टी डीलर, चाहे सुल्तान अंसारी हो, रवि मोहन तिवारी हो, कोई भी प्रॉपर्टी डीलर जो जमीन के खरीद फरोख्त करते हैं, झंझटिया जमीन जब खरीदते हैं तो वो उसको कम दाम में खरीदते हैं, और जब वो उसको बेचने के लिए चलते हैं तो उसको ज्यादा दाम में बेचते हैं। ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है जमीन की खरीद लेन देन में, जो है हर जगह देखा गया, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, केरला में हो, कहीं भी हो। तो जब उस वहां झंझट को मुक्त कर लिया गया तो उसको उसी हिसाब से दाम में बेचा गया। सर्किल लेट 5.8 करोड़, उसका चौगुना दाम 20-25 करोड़ के आसपास पड़ता है, 25 करोड़ के आसपास, और 18.5 करोड़ में रजिस्ट्री हुई। अब यहां पर आता है कि जिन पार्टियों ने इस पर हो हल्ला मचाया, जरा उसकी भी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। माननीय प्रियंका गांधी ने कहा यह पाप है, एक कुकृत्य है, तो यहां पर मैं ये भी बतला देना चाहता हूं कि ये वही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने ये बतलाया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कोई वास्तविकता में है ही थे ही नहीं, ये एक मिथकल पर्सन है, एक काल्पनिक पर्सन है, और उन्होंने राम सेतु के बारे में कहा गया ऐसा है ही नहीं, ये सिर्फ परिकल्पनाओं से, कपोल कल्पनाओं से भरा हुआ है। राम मंदिर न बने इसके लिए कैसे कैसे तिक्रम रचे गए, और प्रधानमंत्री जब राम मंदिर के लिए वहां आए पूजा के लिए तो उन पर भी कई तरह की तीखी टिप्पणी की गई। तो अब ये एक तरह से इसको हम ये कहा जा सकता है कि इसको अटकाने, भटकाने, लटकाने की ये विपक्ष की एक कोशिश भर है। अब सारा पैसा बैंक अकाउंट ट्रांसफर की गई है, सारी पब्लिक डोमेन में है, कोई भी पैसा कैश नहीं दिया गया है, इसलिए जब चाहे तो कोई व्यक्ति इसको देख सकता है, जांच कर सकता है, और इसको कहीं भी इसको किसी भी एंगल से जांच किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई कैश की लेन देन है ही नहीं। तो ये तो बात स्पष्ट है, और एक और भी बतलाता हूं, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, जो मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूं उसकी प्रशंसा कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति, शायद ही कोई बिरलेख होगा जो राम मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह का कमीशन खाने की सोच सकता है। तो और यहां पर चंपत राय, जिन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कुछ हेरा फेरी की है, तो उनके बारे में ये जान ले कि ये व्यक्ति इतना सरल चरित्र, इतना सपाट व्यक्तित्व का है, और इतना सीधे साधे रहने वाले व्यक्ति हैं, जो जिंदगी में इनका भोजन भात रहन सहन इतना ही सामान्य किस्म का है कि इस व्यक्ति पर दुश्मन भी आरोप नहीं लगा सकता है कि इन्होंने 1 रुपए की भी कमीशन ली होगी। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था पूरे जीवन का कि राम मंदिर बना हुआ देखना, इसी के लिए शुरू से अंत तक इसके पीछे ये पूरी तन मन, धन तो हम नहीं कहेंगे, कि तन मन से बिल्कुल लगे हुए थे, और शायद इनके पीछे इनकी 1 रुपया की भी इधर उधर की मंशा नहीं थी। तो यही मेरा ये अपना ओपिनियन है कि ये जो विवाद उठाया गया, ये राम मंदिर को बनाने में, जो एक विशाल भव्य विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बनाने में, इसको एक रोड़ा अटकाने का कुशित प्रयास किया गया है। और मैं सुनील जी खाटी बिहारी इसमें यह कह सकता हूं कि इस तरह के कुत्सित प्रयास नहीं किए जाना चाहिए, और जहां तक यदि ऐसा लगता है कि ट्रस्ट को उन्होंने एक पैसा भी गलत नहीं किया है, उन्होंने एक पैसा भी नहीं किया है, तो वो चाहें तो मानहानि की मुकदमा जिन्होंने
इस पर आरोप लगाया है उन पर कर सकते हैं और वो उससे आगे बढ़ सकते हैं। और मैं सुनील जी खाटी बिहारी यहीं से विदा ले रहा हूं। यदि आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो भैया इसको शेयर मारो और इसको जम करके शेयर करो। जय बिहार, जय भारत।